हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पम्मी ब्यूटी वर्ल्ड तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आमपिट वैक्सिंग से रिलेटेड होने वाली है वैक्स हमने ली है मिल्की वैक्स साथ में यूज़ किया है टेलकम पाउडर और आफ्टर वैक्सिंग जेल का यूज़ किया है ताकि स्किन में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो स्किन में जो वैक्स के बाद रेडिश हो जाती है वो इसके इससे काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती है स्किन में दाने वाने भी नहीं होते इसमें काफ़ी कूलिंग इफेक्ट आ जाता है ये मेरे क्लाइंट की ग्रोथ है और इनकी ग्रोथ है टू मंथ की इनकी एज है ट्वेंटी वन इनके इतने ही हेयर्स आते हैं और यह है मैम वैक्सिंग ही करवाती हैं मोस्टली तो इनको वैक्स करवाने से काफ़ी बेनिफिट हो चुका है देखिए इनकी स्किन में किसी तरीके की कोई टैनिंग नहीं है इज़ली इनके हेयर्स रिमूव भी हो जाते हैं क्योंकि वैक्स करने से हमारी स्किन में जो हेयर्स होते हैं काफ़ी उनकी जड़ें सॉफ़्ट रहती हैं ऐसा नहीं कि काफ़ी जड़ें हार्ड हो गई वैक्स करवाने में प्रॉब्लम हो रही है टैनिंग हो चुकी है ऐसा कुछ नहीं जो रेगुलर यूज़ करते हैं वैक्स का उनकी टैनिंग भी रिमूव हो जाती है स्किन में से इजली हेयर भी रिमूव हो जाते हैं तो इनको काफ़ी स्वेटिंग आती है तो ये जल्दी जल्दी ही वैक्स करवा लेते हैं वैसे दो महीने हो चुके हैं इनकी ग्रोथ इतनी ही आती है पर स्वेटिंग इनको होती ही है तो सबसे पहले हमने इनकी स्किन की स्वेटिंग कंट्रोल करने के लिए इनकी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया था और उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं टेलकम पाउडर टेलकम पाउडर का यूज़ करने से भी हमारी स्किन का मॉइस्चर लेवल कंट्रोल में आ जाता है तो हमने टेलकम पाउडर का यूज़ कर लिया है अब देखिए इनके इतने कम हेयर्स हैं पर फिर भी इनके हेयर की डायरेक्शन अलग अलग है देखिए ऊपर के साइड के हेयर्स अलग जा रहे हैं और नीचे के साइड के अलग अगर आप इसमें एक साथ वैक्स लगाकर वैक्स करने की कोशिश करेंगे तो बाल बीच में ही टूट जाएंगे बाल कम हो या ज़्यादा हो आपने वैक्स की एप्लीकेशन हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से ही करनी है चाहे छोटे पार्ट में आपको दो बार एप्लीकेशन करनी पड़े हमने इनके हेयर के डायरेक्शन के हिसाब से ही वैक्स लगाई है वैक्स बहुत अच्छे तरीके से रब करें स्किन में लगा लें यानी कि अच्छे से लगाएं और आपने यह भी ध्यान देना है कि वैक्स बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा यह पार्ट काफ़ी सेंसिटिव होता है काफ़ी सॉफ्ट स्किन होती है तो क्लाइंट को वैक्स गर्म ना लगे उसके बाद वैक्सिंग स्ट्रिप लगानी है और अच्छे से स्किन को स्ट्रेच करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर देना है देखिए इतने अच्छे तरीके से इनकी सारी की सारी ग्रोथ एक ही पट्टी में निकल आई है क्योंकि इनके हेयर्स काफ़ी सॉफ्ट आते हैं और वैक्स करवाने से इनके बालों की जड़ें भी इतनी मजबूत नहीं बन पाती अगले महीने ही वह जड़ें फिर से रिमूव कर दी जाती हैं तो इससे इनको काफ़ी बेनिफिट हो जाते हैं और हेयर्स भी इनके लेट आते हैं इसकी वजह से तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इनकी वन साइड वैक, वैक्स की एप्लीकेशन हो गई है और हेयर रिमूव हो गए हैं अब जो नीचे के साइड के हेयर्स हैं वहाँ पर भी हमने वैक्स की एप्लीकेशन कर ली है हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से काफ़ी अच्छे तरीके से रब किया है और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में यानी उल्टी दिशा में पट्टी को खींच दिया है इनकी स्किन में कोई भी टैनिंग नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि स्किन में ब्लैकिश लगे क्योंकि मोस्टली वैक्स करवाने से हमारी स्किन काफ़ी नीट एंड क्लीन हो जाती है क्योंकि इन्होंने कभी भी रेजर या वीट का यूज़ यूज़ नहीं किया अब इनके साइड के हेयर्स पर भी हमने सारे में वैक्स की एप्लीकेशन कर दी है ताकि स्किन में जो भी एक्स्ट्रा हल्की फुल्की टैनिंग है डेड सेल्स हैं वो भी रिमूव हो जाए पूरी वैक्स करने के बाद आपने स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है हमने भी रोज वाटर का यूज़ करके इनकी स्किन को क्लीन कर लिया था और उसके बाद लास्ट में यूज़ करना है आफ़्टर वैक्सिंग जेल आफ्टर वैक्सिंग जेल का यूज़ करने से स्किन में दाने नहीं होते स्किन की इचिंग ठीक हो जाती है रेडिश ठीक हो जाती है काफ़ी अच्छे तरीके से स्किन में रिलीफ सब मिल जाता है तो आप हमेशा आफ्टर वैक्सिंग जेल का यूज़ करें अगर आपके पास आफ्टर वैक्सिंग जेल ना हो तो आप किसी कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र हो नींब या सॉफ़्ट क्रीम कोल्ड क्रीम उनका भी यूज़ कर से करने से काफ़ी स्किन में रिलीफ मिल जाता है पर आफ्टर वैक्सिंग जेल से काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलता है क्योंकि यह मेडिकल टाइप में यूज़ होता है स्किन में एकदम से ठंडक सी पड़ जाती है इससे तो अब हमारा वन साइड अंडर आर्म्स का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है तो सेकंड साइड भी हमने उसी तरीके से वैक्स कर लेनी है अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे मेरे चैनल पर आपको वैक्स पिट वैक्सिंग से रिलेटेड और शेविंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी तो प्लीज़ चैनल पर विज़िट ज़रूर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग